हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष। आज हम में से हर कोई सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है। लेकिन जो भी लोग महान बने, चाहे वो बिल गेट्स हों, चाहे वो नेल्सन मंडेला हों या मार्टिन लूथर किंग हों, क्या आपको पता है कि इनके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स थीं, कुछ ऐसी आदतें थीं जो कि इनको बाकी भीड़ से एक अलग पहचान देती थी। तो आज मैं आपके सामने इन महान लोगों की तीन ऐसी क्वालिटीज़ या गुण लेकर आया हूं, जिसको कि अगर आप भी अपने जीवन में प्रैक्टिस करना शुरू करें तो आप अपने लाइफ को ग्रेटनेस की तरफ ले जा सकते हैं। क्वालिटी नंबर वन, ग्रेट पीपल्स हैव अ विज़न एंड नॉट अ गोल। दोस्तों, विज़न और गोल में बहुत डिफरेंस होता है। गोल का अर्थ ये होता है कि अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जो टाइम अवेलेबल है, इसके सहारे मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। उदाहरण के लिए कि अगर मान लो मेरे पास एक बाइक है और मैं 1,00,000 रुपये कमाता हूँ, तो मैं ये लक्ष्य रख सकता हूँ कि 1 साल के बाद मैं कार खरीदूँगा। लेकिन विज़न का अर्थ ये होता है कि कुछ ऐसा बदलाव या कुछ ऐसा आविष्कार जो कि अभी तो असंभव है, लेकिन आने वाले समय में या आने वाले भविष्य में संभव हो सकता है। जैसे कि जब महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराने की सोची, या फिर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की डिस्कवरी करनी चाही, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी तो इसके कोई संकेत नहीं है। उन्होंने वर्तमान परिदृश्य से बाहर हटकर देखना शुरू किया और इतिहास बना बैठे। पॉइंट नंबर टू, दे बिलीव इन देयर ड्रीम्स। उनको अपने विजन पे या उनको अपने सपने के ऊपर पूरा यकीन था। दोस्तों, ये कहा जाता है कि सफलता असफलता हमारी मेहनत पे तो डिपेंड करती ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये इस बात पे डिपेंड करती है कि हमें अपनी एबिलिटीज़ पर कितना यकीन है। जब भी आप कुछ बड़ा काम करना चाहेंगे या कुछ अनोखा काम करना चाहेंगे, तो लोग आपके रास्ते में अवरोध उत्पन्न करेंगे, वो रोड़ा अटकाएंगे, वो आपके पैर की खिंचाई करेंगे। और तो और, कई बार आपको इतनी असफलताएं मिलती हैं कि आप उससे डरकर पीछे हट जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब थॉमस अल्वा एडिशन बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो 10,000 बार असफल हुए, लेकिन इन असफलताओं को उन्होंने ये नहीं बताने दिया कि ये काम असंभव है। उन्होंने ये कहा कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जिससे कि ये काम नहीं किया जा सकता। व्हाट एन एटीट्यूड। एंड पॉइंट नंबर थ्री, जब भी उन्होंने कोई विज़न देखा तो उसमें उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचना शुरू किया। जैसे कि जब राइट ब्रदर्स एरोप्लेन की डिस्कवरी कर रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब मैं एरोप्लेन को बनाऊंगा तो मुझे इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे क्या इनाम मिलेगा या मुझे कितने पैसे मिलेंगे, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि जब मैं एरोप्लेन बनाता हूँ तो इससे मानवता की तस्वीर कैसे बदलेगी, इससे कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको कि फ़ायदा पहुँचेगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को उन्होंने अपने ऊपर आकर्षित कर लिया, अपने ऊपर केंद्रित कर लिया और कुछ ऐसा कर बैठे जो कि असंभव था। दोस्तों, अगर आप एक साधारण से ज़िंदगी जीना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन अगर अपने लाइफ को आप ऐसा बनाना चाहते हो कि किसी के जीवन में कुछ बदलाव ला सको या इस विश्व को कुछ नया दे सको, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। और अगर आप ये चाहते हो कि मेरे कंटेंट आप तक रेगुलरली पहुँचें, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।